हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है हरी मिर्च का स्पेशल कुट्टा जो राजस्थान में शादियों और स्वामियों में बनता है। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कुट्टा आपको कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरी मिर्ची का कुट्टा बनाने के लिए मैंने इस तरह की ये मोटी वाली मिर्ची ली है, इनको कट कर लिया है। बाद में मैं इन्हें मिक्सी में क्रश कर लूँगी। एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, एक मीडियम साइज का टमाटर उसे भी मैंने कट कर लिया है। तड़के के लिए 1 टीस्पून राई और सौंफ ली है, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है क्योंकि ये मिर्ची तीखी कम होती है इसलिए, टेस्ट के अनुसार नमक और 1 टीस्पून के करीब मैंने दही लिया है, 1 टीस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। तो चलिए बनाते हैं। मिर्ची को मैं हल्का सा क्रश करूँगी। मिर्ची को मैंने क्रश कर लिया है। मिक्सी को आप धीरे धीरे चलाएं, कुछ सेकंड के लिए चला के बंद कर दें। इस तरह का करना है हमें। अगर आप ज़्यादा चलाएंगे तो वो एकदम बारीक पीस जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कूटा हुआ टाइप लग रहा है, या फिर आप हमारे दस्ते में भी मिर्ची को डायरेक्ट कूट सकते हैं। गैस पे मैंने पैन रख लिया और इसके अंदर मैंने ये 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। अगर आप स्पेशल ओकेजन के लिए बना रहे हैं तो आप तेल का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये सौंफ और राई, क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक, इन्हें हल्का सा चला लेंगे। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर प्याज। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज किया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं इसमें। प्याज हल्का भुन गया है, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी पाउडर और मिक्स करके हल्दी को अच्छे से मिला लें। थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं ये लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं। तीखी वाली मिर्ची ले तो आप ना डालें। हल्दी पक गई है मिर्ची पाउडर के साथ में, अब मैं डाल रही हूँ ये हरी मिर्ची, इन्हें भी मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे मिर्ची को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। देखिए, मिर्ची है वो हाफ कुक हो गई है, वापस तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं डाल दूँ ये टमाटर कटे हुए, ये भी थोड़े से पक जाए। टेस्ट के अनुसार मैं डाल रही हूँ नमक और मिक्स कर लेती हूँ एक बार। देखिए, टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैंने ये दही लिया है, इसको मैं चम्मच से अच्छे से फेंट लूँगी। इस तरह से फेंट के मैं अब ये डाल दूंगी दही इसके अंदर। दही डालते टाइम आप गैस की फ्लेम को लो कर दें और अच्छे से मिला लें। ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए, कूटा बन गया है, आप देख सकते हैं ये पक भी गया है और तेल भी छोड़ दिया वापस। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। ये हमारा कूटा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे चपाती या बाटी के साथ सर्व कर सकते हैं।